Assalamu alaikum friends, welcome to Farhan tutorials. आज हम अपना lecture number 18 start करते हैं कि आप अपने blogger के blog में stylish menu किस तरह add कर सकते हैं professional look के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इसका default menu होता है वो काफी boring सा होता है, तो उसको professional look देने के लिए आप किस तरह अपने menu को customize कर सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी मेन मेन्यू को अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें youtube.com/farhantutorialstk पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड बटन है, इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में हूँ। मैंने अपने ब्लॉगर का अकाउंट को लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले तो सर्च करूँगा गूगल पे, ठीक है। न्यू टैब ओपन करके मैंने गूगल ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले सर्च करूँगा स्टाइलिश मेन्यू फॉर ब्लॉगर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ से आप अपने अट्रैक्टिव ड्रॉप डाउन या CSS वाले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मेन्यूज आप हासिल कर सकते हो बहुत सी वेबसाइट्स पे। तो जैसे कि ये वेबसाइट है ऑनलाइन उस्ताद, ठीक है। यहाँ से मैं ब्यूटीफुल CSS वर्टिकल मेन्यू फॉर ब्लॉगर, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसका जो है डोमेन का जो कोड है वो हासिल कर लेता हूँ। बाकी आपको ईजी रखने के लिए मैं अपनी वेबसाइट पर इन सब के कोड्स एड कर दूँगा ताकि आपको ज़्यादा धक्का ना खाना पड़ जाए, ठीक है, और आपको एक ही वेबसाइट में आपको कोड्स दिख जाए, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट पे ठीक से वो नहीं है कोड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाली में ही जाके देख लेता हूँ मैं। जी हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में ठीक से पिक्चर्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है लाइट ओपरा ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो आप रेड कलर का ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। सेकेंड आ रहा है एनिमेटेड ड्रॉप डाउन CSS 3। अब यहाँ पे अगर लाइव डेमो पे देखता हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा लिंक, ठीक है, या फिर मेन में से ये थर्ड है, ये फोर्थ। ये आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे चॉइसेस दे रहा है ये वेबसाइट कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने वेबसाइट के लिए एक सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए ये वाला कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसमें ये देखें ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कोड जो है कॉपी कर लूँ अपने पास, कहाँ गया वो, ये रहा। अब देखें इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया पूरा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और इस टैग को मैंने पूरा का पूरा कॉपी करके अपने ब्लॉगर में गया, ठीक है। अब ले ब्लॉगर के बाद यहाँ से आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जहाँ भी आपका मेन मेन्यू रखना है वहाँ पे आपने ऐड गैजेट पे क्लिक करके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे क्लिक किया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन वाला सेलेक्ट करना है HTML JavaScript, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप सेव का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास ये कोड आ गया सेव। अब यहाँ पे मैंने इस मेन मेन्यू के ऊपर इसको ऐड कर दिया ताकि मुझे एज अ मेन मेन्यू चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ये किस तरह शो हो रहा है। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये थर्ड जो मेन मेन्यू आ रहा है वो आपके पास ये जो है कस्टमाइज्ड वर्जन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन वाला मेन मेन्यू था ये काफ़ी बोरिंग लग रहा है, देखें बिल्कुल सा सिंपल सा। अब ये जो थर्ड वाला है अभी मैंने कस्टमाइज्ड लगाया हुआ है, तो इसका लुक देखें और फर्स्ट वाले का लुक देखें कितना बोरिंग था ऊपर वाला, और अब जो है इसको काफ़ी प्रोफेशनल लुक आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई और हो जैसे कि जैसे कि ये वाला हो, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा कोड मैं
इस स्टाइल से कॉपी करके यहाँ पे div ब्रैकेट क्लोज स्लैश div को पूरा कॉपी करके यहाँ पे इसी कोड में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको पहले मिटा दिया फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कोड जो है अब आपके पास लुक चेंज हो गया है मेन मेन्यू का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम, प्रोडक्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज करने के लिए, और यहाँ पे देखें सब मेन्यूज भी जो हैं प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, अब इनको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं इसकी इसके देख लेता हूँ कि कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एफ दबा दिया, प्रोडक्ट सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स का टैब शुरू शो हो रहा होगा, जबकि मेरी वेबसाइट जो है मूवीज़ की है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉलीवुड मूवीज़, और सॉरी इसको मैं लिख लेता हूँ मूवीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सब कैटेगरी है प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू, तो इस प्रोडक्ट वन को मैं लिख लेता हूँ बॉलीवुड मूवीज़, और इस और कहाँ गया, और इस प्रोडक्ट टू को मैं लिखता हूँ हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद अब मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मूवीज में से और प्रोडक्ट से में से मैंने इसको मूवीज़ कर दिया, और सब सब कैटेगरी जो थी इसकी प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू उसको मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ में कर दिया। अब इसकी सब सब मेन्यू की भी एक सब मेन्यू है। ठीक है, सबका भी सब आइटम है, अब इसको भी मुझे चेंज करना है। ठीक है, मुझे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिंक्स किसी की भी ऐड नहीं की, सिर्फ टाइटल चेंज किया। अब मुझे अगर यहाँ पे लिंक ऐड करनी है फॉर एग्जांपल मूवीज़ पे, यहाँ पे मैं मूवीज़ सर्च करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते होंगे यहाँ पे ए एच आर ई एफ दिख रहा होगा, और यहाँ पे कोमा कोमा के बाद ही हैश दिख रहा है। ठीक है, हैश पे आपने लिखनी है वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मेरी मूवी का जो ब्लॉग है उसका नाम है www.demoblog456.ml। ठीक है, और इसकी जो सब कैटेगरी है उसको भी मैं यहीं पे यही वाली लिंक दे देता हूँ। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए एच आर ई एफ के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हैशटैग है। ठीक है, हैशटैग में आपने इसको मिटा के आपने अपनी लिंक का टाइटल दे देना है, लिंक दे देनी है जो आपको लिंक उस लिंक में प्रोवाइड करनी है उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, अब मैंने कर दिया पेज को रिफ्रेश, ये ऑटो रिफ्रेश हो गया क्योंकि मैंने पेज में से ही दिया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि होम पे तो ऑलरेडी मेरा है। ठीक है, इंडेक्स होम पेज तो है। अब मूवीज पे अगर मैं जाता हूँ तो मूवीज पे भी आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेमो ब्लॉग 456.ml दिख रहा होगा, बॉलीवुड मूवीज में भी यही दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और मज़ीद डिटेल में बताऊं कि नीचे हो क्या रहा है एक्चुअली, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया मूवीज, और इस पर मैंने लिख दिया हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि देखें, अब जैसे ही मैं मूवीज़ पे माउस रखता हूँ तो आपको नीचे दिख रहा होगा डेमो ब्लॉग 456.ml/movies। अगर बॉलीवुड पे जाता हूँ तो सॉरी बॉलीवुड पे मैंने हॉलीवुड डाल दिया तो आपको नीचे दिख रहा होगा डेमो ब्लॉग 456.ml/hollywoodmovies। तो इसी तरह से आप अपने जो है मेन्यू को बढ़ा सकते हो, और उसके जो लिंक्स वगैरह है और नाम वगैरह वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टेक्ट के बाद एक और ऐड करना है, एक और मेन्यू को ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट सर्च करें। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने इस वाली पूरी लाइन को, LI वाली पूरी लाइन को यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसका नाम दे दें जैसे कि फीचर्स। ठीक है, एक मैंने ये ऐड कर दिया, एक और ऐड कर देता हूँ अबाउट मी। ठीक है, इन दो मैंने फीचर्स और अबाउट मी को ऐड कर दिया। अब आपको होम मूवीज, अबाउट, कॉन्टेक्ट, फीचर्स और अबाउट मी शो होंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक्स्ट्रा ऐड और एक और सॉरी दो और मेन्यूज आ गए हैं आपके पास। मेन्यूज के अंदर जो ऑप्शन हैं वो आपके पास दो और आ गए हैं, फीचर्स और अबाउट मी।
तो इसी तरह से आप अपने मेन्यू को और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इन कोड्स को चेंज करके या ऐड करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली तमाम मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करें अपने फ़ोन या डेस्कटॉप लैपटॉप पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।